संत निरंकारी मिशन वालों एक खूनदान कैंप लाया जा रहा है, सर उस बारे जानकारी दोगे जी? जी, संत निरंकारी मिशन एक अध्यात्मिक जागृति अभियान है जो सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई दे विच अपनिया अध्यात्मिक ते समाज सेवी संबंधी सेवावां दे रहा है। हर साल सारे ही वर्ल्ड दे विच और भारत दे विच जो खूनदान कैंप है ये लगाए जा रहे हैं। सन 1986 दे विच सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सब तो पहला अपना खून दान दिता सी, ते उस तो बाद सारे मिशन दे विच ही खून दान करन दी जो एक परंपरा है ये चलती आ रही है। समाज सेवा ही भी इस मिशन का एक खास मंतव है, जिस अधीन कुराली दे विच पिछले 15 सालों तो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आप जी ने देखा है कि आपात स्थिति विच भी जो करोना चल रहा सी, जिथे होर सेवावां इस साड़ी ब्रांच ने कुराली ने दित्तियां हन, उत्थे उस करोना काल दे विच भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया गया है। ये सेवावां लगातार समाज के हित लई चलदियां आ रही हैं। मानवता की सेवा लई ये मिशन हमेशा ही समर्पित है। सो हुण भी इस 4 दिसंबर नूं दिन ऐतवार नूं संत निरंकारी सतसंग भवन कुराली विखे ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। PGI तो मैडिकल टीम आ के अपनियां सेवावां देवेगी और नाश्ते का जिहड़ा प्रबंध है वह भी इस भवन ते ही ब्लड डोनर्स लई कीता गया है। सो ये 4 दिसंबर नूं सवेरे 9 बजे इस कैंप दे विच आण लई सहयोग देण लई खूनदानियां नूं बेनती है कि मानस सेवा दे इस हित विच आ के वध तो वध सानूं सहयोग करन। सारी ही साध संगत कुराली ने बड़े ही एक जोश दे नाल सेवा भाव दे नाल ये कैंप लगाया जा रहा है। तो असी सारे ही साध संगत कुराली समूह शहर वासियां नूं सारे ही इलाका वासियां नूं ये बेनती करते हैं कि समाज की सेवा हित आ के अपना पूरा योगदान देन ते साडा माण वधाउन। वर्मा जी, जिहड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है उहदे बारे जानकारी दिओ जी। हाँ जी, संत निरंकारी मिशन वल्लों खूनदान कैंप लग रहा जी संत निरंकारी सतसंग भवन कुराली विखे। 4 दिसंबर नूं यह कैंप लगेगा, सवेरे 9 बजे कैंप शुरू हो जाना। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जो ये मिशन है निरंकारी मिशन एक अध्यात्मिक मिशन है, जिथे ये ब्रह्म ज्ञान दे के रूहानियत दे नाल जोड़दा है। इस दे नाल नाल हमेशा तो ही निरंकारी मिशन इंसानियत का पाठ भी पढ़ा रहा है। तो हमेशा जिन्हें भी सोशल एक्टिविटीज़ है उन्होंने अपना योगदान भी पाता रहता है। सो उस मद्देनज़र इस बार फिर हर साल एक खूनदान कैंप लगता है। इस बार 16वां खूनदान कैंप असी भवन ते लगा रहे हाँ, जिस दे विच साढ़े सारे ही वलंटीयर्स जिन्हें साध संगत दे मैंबर हैं सेवा दल दे मैंबर हैं सारे रल मिल के इत्थे अपना योगदान पा रहे हैं। इस दे नाल ही जिन्हें भी शहर वासी हैं इलाका वासी हैं उन्हां नूं भी ये अपील है कि वह भी इस खूनदान कैंप दे विच वध चढ़ के पहुँच के इस कैंप दे विच अपना हिस्सा पाण ते खूनदान करके एक समाज दे विच अपनी चंगा जो योगदान गिणिया जाता है उस विच अपना हिस्सा पाण। ते पिछे भी आपां ने देखिया जदों डेंगू चिकनगुनिया फैलिया तां किन्ना ज़्यादा प्लेटलैट्स की खून की जरूरत पई। सो ये जो खूनदान है इसनूं महादान कहा जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं तैयार किया जा सकता। एक इंसान ही खूनदान करके किसी मददगार की मदद कर सकता है। सो आपां सारिआं नूं इस नेक काम के लिए अगे आना चाहिए है। तो निरंकारी मिशन 1986 तो लगातार इस तरह कैंप लगा आ रहा है। साड़ी भारतवर्ष के जिन्नी भी ब्रांचा हैं
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।